सियासत के योद्धाओं की बड़ी कसरत हो रही है। चुनाव के दिन है साहिब, गरीबों की बड़ी सेवा हो रही है। वाकई जनाब, जब मौसम चुनावों का होता है तो नेताओं की नींद भी खुल जाती है। साहब, आज महिला दिवस है, पूरी दुनिया में हमारी मार शक्ति को प्रणाम किया जा रहा है। जाहिर है, जब दिन महिलाओं का है तो हम भी जरा उन महिला नेताओं को देख लेते हैं जो महिला के साथ साथ नेता भी हैं। और सियासी मैदान पर जब वो उतरती हैं तो फिर अपने जलवे भी बिखेरती हैं। कहते हैं कि जब नेतागिरी करनी हो तो फिर सभी मंजरों से गुजरना होता है, पब्लिक का गुस्सा भी झेलना पड़ता है, तो उसे प्यार के जाल में भी फंसा जाता है। अमूमन नेताओं के लिए कुछ ऐसा ही माना जाता है। हम यहाँ ये नहीं कहते कि हर नेता चिकना घड़ा होता है, और अगर होता हो तो हमें मालूम भी नहीं। अब बात जब चल निकली है महिला नेताओं की, तो जरा इन तस्वीरों को भी देख लें, कहानी अपने आप आपको समझ आ जाएगी, और आप भी बस यही कहेंगे कि आखिर गलत भी क्या है। आखिर मौसम चुनाव का जो है, अब सबसे पहले इन्हें देख लें। चुनाव सिर पर है तो पब्लिक को भी रिझाना तो पड़ेगा ही, चाहे अब से पहले पब्लिक के अलावा किसी को नहीं चलाया हो, लेकिन अभी स्कूटी भी चलानी पड़ रही है, आखिर करें भी तो क्या। जनाब, एक अदद स्कूटी के लिए आसपास का इलाका तक खाली करा दिया जाता है। अधिकारियों को स्कूटी के साथ दौड़ तक लगानी पड़ी, लेकिन करें भी तो क्या, आखिर चुनाव जो सिर पर है। अब जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमा लिया जाए, जिन्होंने अपने घर में शायद ही कभी चाय बनाई हो, लेकिन आज चाय बागान से चाय की पत्तियों को तोड़ना पड़ रहा है। अंदाज बिल्कुल अलग, अब हंसना भी जरूरी और बात करना भी जरूरी। और फिर अगर इन महिलाओं ने साथ में नाचने की बात कह दी तो फिर इनकार भी नहीं किया जा सकता था। चारों तरफ कैमरों की भीड़, तो नाचना भी जरूरी। इस इलाके की संस्कृति के मुताबिक इन्हें भी साहब वो सब कुछ करना पड़ा जो शायद पहले कभी नहीं किया। यानी चुनावी तमाशे में तो खुद को भी बाजीगर तो बनना ही पड़ता है। अब जरा इन मोहतरमा पर नजर डाल ली जाए, लगता तो है कि इन्हें स्कूटी चलाना आता है, हेलमेट भी है, लेकिन समर्थकों की तादाद इतनी कि स्कूटी आगे नहीं खिसक पा रही। लेकिन उससे आखिर फर्क भी क्या पड़ता है, कम से कम प्रचार तो हुआ, पार्टी का भी और खुद का भी। अब महिला है तो क्या हुआ, पार्टी की बड़ी नेता तो है ही, और फिर महिलाएं यूं भी शक्तिशाली तो होती ही है, और जाहिर है इनका सम्मान भी किया जाना चाहिए। और सम्मानीय तो साहब ये भी हैं, हिंदुस्तान के एक प्रदेश राजस्थान की एक वो महिला नेता और पहले की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जो आज जश्न पैदाइश मना रही हैं। राजस्थान के कई मंदिरों के दर्शन चल रहे हैं, और मंदिरों के दर्शन के दौरान ही ये भी सीधे तौर पर बता रही हैं कि ना तो चेहरे की चमक कम हुई और ना ही पब्लिक के बीच मोहब्बत। अब ये अलग सवाल है कि ऐसा सब कुछ सियासी है या फिर हकीकत। अब जरा इन महिला नेता की तस्वीर पर भी नजर डाल लें, जो खुद तस्वीर में कैद होने की ललक लिए हुए है। आखिर नेता है तो क्या, इच्छा तो किसी की भी हो सकती है। अब यूं सेल्फी से तस्वीर अच्छी नहीं आती तो साथी नेता को भी खुद का मोबाइल तो थमाया ही जा सकता है। और फिर मोहतरमा को तो इनकार भी कौन करता है, अब पब्लिक की बात अलग है। और जब बात पब्लिक की चल निकली, या यूं कहें कि पब्लिक का कोई जलसा हो, तो फिर सियासी तस्वीरों को तो तैयार करने में आखिर हर्ज भी कैसा। अब यूं तो हमारी ये नेता दुनिया में भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं, लेकिन आज देखिए, जब पब्लिक को रिझाना हो तो फिर रेगिस्तान के जहाज की सवारी में भी हर्ज क्या, फिर चाहे उसे शहर की सड़कों पर ही क्यों ना चलाना पड़े। दरअसल तस्वीरें काफी हैं, बात केवल इतनी ही है कि जब सियासी मौसम चल रहा हो तो फिर हमारी महिला नेता भी कहीं पीछे नहीं रहती, और आखिर रहे भी तो क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है तो फिर महिला और पुरुषों में भेदभाव भी कैसा। और फिर अगर माहौल चुनावी हो तो जनाब फिर तो सब कुछ जायज है। अब बस हम तो यही कहेंगे, चुनावी दौर है क्या किसी पर एतबार करना, चुनावी दौर है क्या किसी पर एतबार करना, अब की बार कुछ अच्छा होगा ये सोचकर क्या दिल बेकरार करना। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।